आजाद न्यूज टीवी देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं संदीप कौर। चलिए हम आपको दिखाते हैं दिल्ली फराशखाना रोड की हालत, जहां पर एक साल पहले सीवरेज का काम करवाया जा रहा था, लेकिन काम करवाने के बाद सड़क की मरम्मत अभी तक नहीं करवाई गई, जिसके कारण लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। जी भाई, एक बात बताइए, गली का हमजान जब एक महीने में बन सकती है, ये फराशखाने का रोड क्यों नहीं बन पा रहा है? ये गली बिल्कुल बेकार हुई है, सारी गलियां बेकार हुई है, और फराश खाने का रोड इतना बेकार होएवा है। यहाँ तो एक साल से काम चल रहा है ना, एक साल से काम चल रहा है, एक साल से डेढ़ साल से काम चल रहा है। यहाँ पे बच्चे गिरते भी हैं, यानी कि बच्चों की कोई वैल्यू नहीं है जी। माए स्कूल छुपा छोड़ने जा रही है, इतने इतने बड़े गड्ढे हो रहे हैं जी, वो सब बिल्कुल बेकार है जी। गली का समझान एक महीने में खुदा था और एक महीने में बन गया था, ये फराश खाना क्यों नहीं बन पा रहा? तो आपने कंप्लेंट करी आगे? कंप्लेंट करी है, वहाँ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई नहीं होती है, कुछ कुछ भी नहीं होती। और एक वो लाल दाढ़ी वाले। दिल्ली से आजाद न्यूज टीवी के लिए हमारे पत्रकार रेज अहमद की विशेष रिपोर्ट।